The Assam Sa Mazoor Sangh, the lone recognized trade union representing the lakhs of tea garden workers in Assam, is holding protests across the state in support of their various demands, including enhancement of daily wages of workers to ₹351, granting ST status for the tea community, and allotment of land pattas to the tea and ex-tea community people. आज हम लोग सभी जानते हैं कि जो असम के चाय बागानों में काम करने वाले जो मजदूर भाई बहन हैं, उनका मिनिमम वेजेस का जो लास्ट एग्रीमेंट था वो 2017 का 31 दिसंबर में ख़त्म हो चुका था और 1 जनवरी 2018 से नया वेजेस होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाया और आज 3 साल होने को आया है, वो एडवाइजरी कमेटी आज तक चाय मजदूरों का मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर पा रही है और सरकार संपूर्ण रूप से विफल हो चुका है मिनिमम वेजेस निर्धारित करने के लिए। तो आज के दिन में चाय मजदूरों का मन में, चाय मजदूरों का बीच में आक्रोश है कि उनका मिनिमम वेजेस को लेकर सरकार मजाक कर रही है। अरे हमारा 11 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर को दिया था और उसमें हम लोगों का मिनिमम वेजेस का बात है, फिर जो स्मॉल टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए, उसका हमारा डिमांड है। फिर हमारा डिमांड है कि चाय जो आदिवासी चाय जनगोष्ठी लोग हैं असम में रहने वाले, उनको एसटी का मर्यादा मिलना चाहिए, उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए और जो आदिवासी इलाका है, जो आदिवासी चाय जनगोष्ठी का एरिया है, उसको लेके एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का हमारा डिमांड है। फिर जो लैंडलेस लोग हैं आदिवासी चाय जनगोष्ठी या फिर मजदूर कम्युनिटी में जो भी आपका लैंडलेस पीपल है, उनके लिए माने जमीन मुहैया किया जाए, वो हमारा डिमांड है। तिसुति दिसला सा श्रमिकर 300-500 लगे एते लगे जस्ट मिनिमम 30% बढ़ा दिले एते नतिन हुनिबो पास 21% एतु आनु कोनो पद एसी मेसे ना मानिबो आरो अमर जेतिया लगे 300-500 तेतिया संग्राम आमी चलाय जाम। मुख्यमंत्री किबा मेमोरेंडम दिया होइसे नेकि? होय दिसु आमी মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি 11 দফিয়া দাবী সম্বলিত এখানে স্মারকপত্র প্রদান করছো আর তাত গোটেখিনি কথা আমি সুন্দরভাবে অনুবিষ্ট করছো, ন্যূনতম মজুরির কথা তাত আছে, ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর বাগিচাত কাম করা শ্রমিকসকলের মজুরির কথা তাত আছে, ভূমিহীন চাহ শ্রমিকসকলক ভূমির আবন্টন দিব লাগে বলে আমি কৈছো আর যিসকল ভোগ দখল করে খাই আছে তেওঁলোকক পট্টা প্রদান করব লাগে বলে কৈছো আর লগতে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকলক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করব লাগে বলে আমি কৈছো। প্রথম তো মই কওঁ আপনার চ্যানেলের যোগেদি সরকারক কওঁ যে আমার খাটি খোৱা শ্রমিকসকলে সা সুবিধার পৰা বহুতখিনি বঞ্চিত হয়ে আছে, সরকার ফালৰ পৰা কিছুমান কৰিবলগীয়া বহুতখিনি তেনেকা স্কিম লব পাৰে, কিন্তু এই স্কিমখিনি বাগানত এতিয়াও মানে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই, গতিকে এইখিনি সরকারক আমি দাবি জনাইছোঁ যে আমার নিম্নতম মজুরি পোৱা শ্রমিকসকলক সরকার ফালৰ দিও যিবিলাক স্কিম